बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं सदाम खान। ख्वाजा आसिफ बहुत ही घटिया खेल खेल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ को शर्म आनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर अपना मजहब बनाने का इल्जाम लगा दिया कि इमरान खान को अपना मजहब ला रहे हैं। अल्लाह हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। देखिए कितना घटिया शख्स है ये, कितना बेशर्म आदमी है ये। ये वही है ना जो आर्मी को कहता था कि ये जंगे हारी हुई है सारी, 65 की, 71 की सारी जंगे हारी हुई हैं। ये बेशर्म आदमी ये इमरान खान पर मजहब कार्ड का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि इमरान खान अपना मजहब बना रहे हैं। जो शख्स इमरान खान की बात करते हैं, जो इमरान खान कह रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, सीरत नबी पर चलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, जो हर जगह यही बता रहा है और जो हर जगह पाकिस्तान के तालीमी निसाब में बच्चों को कुरान लाजमी कह रहा है कि कुरान लाजमी पढ़ाओ, उसे ये कह रहा है कि वो अपना मजहब ला रहा है। बेशरम आदमी है ये, इसे शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इसकी हरकतें देखें, ये हैं ये लोग, ये इतने घटिया लोग हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये इतने घटिया लोग हैं कि ये अपनी सियासत के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपने ये धंधा है इनका, अपने इस कारोबार के लिए ये पाकिस्तान क्या ये किसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है, ना इन्हें मेरे ख्याल में ये भूल गए हैं कि अल्लाह ताला भी मौजूद है, आखिरत भी आनी है, अल्लाह का कोई डर ही नहीं है इन लोगों को। कितनी घटिया बात कर रहा है ये शख्स। इमरान खान जो बच्चे सवाल करते हैं, सर ये बताएं कि स्ट्रेस से हमें किस तरह डील करना चाहिए, और वो शख्स आगे से जवाब देता है कि अगर आपने स्ट्रेस से बचना है तो आप नमाज पढ़ा करें। नौजवानों को जो पैगाम दे रहा है कि नमाज पढ़ा करें, जो नौजवानों को पैगाम दे रहा है कि सीरत नबी पर अमल करो, जो बता रहा है कि दुनिया में आने का मकसद अल्लाह क्या है और मुसलमानों को क्या करना चाहिए इस दुनिया में, जो हमें सारी चीजें बता रहा है, जो हमें जिस चीज पर चलना चाहिए, जिस रास्ते पर, जो हमें इस्लाम की तरफ रागिब कर रहा है, उस शख्स के खिलाफ ये इल्जाम लगा रहा है कि इमरान खान अपना मजहब बना रहा है। बेशर्म आदमी, चोर, डाकू, तुम बेशर्मों को तो इस्लाम का भी पता नहीं है, इन बेशर्मों को तो इस्लाम का भी पता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी जेब, खाने पीने और लूट मार का पता है, इन्हें और कुछ पता नहीं है। और झूठ सारा दिन कैसे बोलने हैं, नवाज शरीफ को कैसे डिफेंड करना है, उस भगोड़े को, चोर को, डाकू को और मरियम को कैसे डिफेंड करना है, ये सारी बातें हैं। और अब तो वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स भी बेच दिए हैं, खबरें आ रही हैं कि वो बेचकर कंट्री साइड पर कहीं इन्होंने अपना ले लिया जगह जहां लोग ना जा सकेंगे, प्राइवेट एरिया होगा, नो गो एरिया होगा, वहां इन्होंने अपना घर ले लिया है, वहां ये जाकर रहेंगे, तो कोई पाकिस्तानी वहां जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकेगा, पाकिस्तानियों से बचकर भागकर अब ये कंट्री साइड पर इन्होंने अपनी जगह ले ली है, घर ले लिया, वहां पर इनका शिफ्ट होने का प्रोग्राम बन चुका है मरियम नवाज और नवाज शरीफ का। तो ये देखें ना, इन लोगों ने तो ये तैयारियां की हुई हैं, ये तो अपनी जायदादें और दौलतें बढ़ा रहे हैं बाहर के मुल्क में। पाकिस्तान में इन लोगों ने क्या करना है, पाकिस्तान की इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। तो इन लोगों के जान से में बराए मेहरबानी मत ही आए पाकिस्तानी कौम, इनसे जान छुड़वाए, क्योंकि इन्होंने बहुत लूट लिया पाकिस्तान को। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, IMF ने पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने का इशारा दे दिया। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत ग्रोथ करेगी 3.5% पे, जो इमरान खान के टाइम में 6% पर थी। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग बेरोजगार होंगे, महंगाई और ज्यादा होगी। अंदाजा लगा लें, ये फ्रॉडी है, दो नंबरी है, जिनको लाकर हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया, इन्होंने पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान के दौर में मतलब जो चीज 100 रुपए की थी वो 125-130 की हुई थी और हमने शोर मचाया हुआ था, अब वो 100 रुपए की चीज 220 की हो गई है, तो देख लें हमारी क्या हालत हो रही होगी। ये इन्होंने तबाही फेरी है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इन पाकिस्तानियों के साथ, इन्होंने पाकिस्तान की तबाही रख दी है। इन्हें पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं और ना पाकिस्तानियों की कोई परवाह है, इन्हें सिर्फ अपनी परवाह है। तो इन लोगों से जान छुड़वाएं। और इसहाक डार जो है वो अमरीका रवाना हो गए हैं, वो वहां जाकर मिनते तरले करेंगे अब IMF के हमने आपका साथ दिया, हम आपके एजेंडे पर आ तो गए, हमारी मदद भी करें, थोड़ी सी और मदद कर दें, भीख मांगेंगे पाकिस्तान का। इसी तरह देखें ना, जब आप इतने इस लेवल तक नीचे गिर जाएंगे तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम तो फिर अमेरिका के हाथ में चला जाएगा। अमेरिका जो कहेगा वो करोगे आप, आपको अपने न्यूक्लियर सिस्टम की, अपनी खुद मुख्तारी की आपको कोई परवाह नहीं है। फिर इन चोरों डाकों को अगर आपने अपने मुल्क पर मुसलत रहने देना, तो फिर पाकिस्तान को भेज देते हैं, किसी बड़े बिजनेस टाइकून को भेज देते हैं। वो पाकिस्तान आए, इधर इन्वेस्टमेंट करे, अरबों डॉलर ले आए, और पाकिस्तान को उसी को सदर वजीर आजम बना दो। फिर अगर हमने ना इस्लाम की कोई परवाह करनी है, इधर वो ट्रांसजेंडर बिल आ रहे हैं, कभी कोई हरकत कर रहे हैं, सेहत कार्ड पे बंदियां लगा रहे हैं, कुरान की तालीम इन्होंने डिस्टर्ब की आकर, जो इमरान खान ने कहा कि हर बच्चे को कुरान पढ़ाएं 1 से लेकर 10वीं तक, उधर इन्होंने म्यूजिक टीचर्स डाल दिए,
म्यूजिक टीचर्स के लिए भर्तियां आसामियां इन्होंने खोल दी कि म्यूजिक टीचर्स लाओ, कुरान क्या पढ़ाना है, ये देखिए ये है अमेरिकन एजेंडा, ये है यहूदियों का एजेंडा जिस पर ये शहबाज शरीफ वगैरह और ये सब उस पर अमल करते हैं। तो इन लोगों से मैं तो पाकिस्तानी कौम को बार बार कहता रहूंगा, हर वक्त कहता रहूंगा कि इनसे जान छुड़वाएं, अभी भी समझ जाएं ये लोग आपके लिए मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं है, ये फ्रॉडी है, ड्रामेबाज धोखेबाज लोग हैं, इन्हें हमारी और पाकिस्तानियों की किसी की भी कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने आते हैं, 30-40 साल से इन लोगों ने यही किया है। नवाज शरीफ के लिए एनआरओ 2 की तैयारी की जा रही है, पूरी तैयारियां की जा रही हैं, बैकग्राउंड में बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत खबरें आ रही हैं, नवाज शरीफ को लाने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है, एनआरओ 2 की तैयारी की जा रही है कि नवाज शरीफ को लाया जाए, केसेस माफ करवाए जाएं, किसी तरह कोई डील हो जाए, कोई डील हो जाए, अभी तक कोशिशें हो रही हैं लेकिन कोई फाइनल डील नहीं हो पा रही। नवाज शरीफ असल में चाहते हैं कि वो अपना आर्मी चीफ लगाएं, वो चाहते हैं अपना आर्मी चीफ लगाकर मैं पाकिस्तान पर जो मर्जी करना चाहूं कर लूंगा, क्योंकि वो समझता है कि आर्मी चीफ में अपना लगा लूंगा तो सारा कंट्रोल पाकिस्तान का मेरे पास आ जाएगा। शायद वो भूल गए हैं पाकिस्तान पाक आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है और कोई एक शख्स अच्छा बुरा निकल सकता है, लेकिन मुशर्रफ को भी इन्होंने बड़ी शौक से लगाया था और मुशर्रफ ने जो किया इन भगोड़ों चोरों डाकुओं के साथ वो बहुत ही अच्छा किया, लेकिन एक मुशर्रफ ने गलती की थी जो आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है मुशर्रफ की गलती की सजा, वो ये थी कि एनआरओ दिया इसने नवाज शरीफ को, इन सब चोरों डाकुओं जरदारी को सबको एनआरओ दे दिया मुशर्रफ ने, जिससे आज पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी जिसकी वजह से आज इन चोरों डाकुओं को भुगत रहे हैं और ये मुसलसल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हें पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत से किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। तो ज़ियाउल्लाह लाया इस भगोड़े शख्स को जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की तबाही के मनाजिर देख रहा है, और मुशर्रफ ने इसको छोड़ दिया, सजा देने के बजाय डील कर ली और इस शख्स को बाहर भगा दिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया। तो अब यही ऑप्शन हमारे पास है, अब तो पाकिस्तानी कौम को ही पाकिस्तान को बचाना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को, ये लेफ्ट की जमातें बन गई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान को अंग्रेजों की गुलामी में लेकर जाना चाहते हैं या फांसी का निजाम लाना चाहते हैं, जो अमरीका कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। जब अमेरिकन एनजीओ यहां पर सब कुछ अलाउ करवाएंगी, यहां पर लोगों को फंडिंग करेंगी और उसे हमारी स्टेट रोकेगी भी नहीं, तो फिर आप सोच लें आपके मुआशरे की क्या तबाही होगी। और एक तरफ इमरान खान खड़ा है, वो बता रहा है नौजवानों को, नौजवानों सीरत नबी पर अमल करो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, नमाज पढ़ो, परेशानी से बचना है तो नमाज पढ़ो, ये सारी बातें वो कर रहा है और एक तरफ ये चोर डाकू और बदमाश सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लें। तो इनके हवाले अगर हमने पाकिस्तान को कर दिया तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। और जो नवाज शरीफ के चमचे हैं, जो नवाज शरीफ को आज भी चाहते हैं कि वो आ जाए, या तो वो बिल्कुल ही बेशरम लोग हैं, नहीं तो उन्हें चाहिए नवाज शरीफ से पूछें कि भाई किससे डील की तूने, किससे एनआरओ 2 की बातें हो रही हैं, डील और डील की तैयारियों की बातें हो रही हैं और सारा प्रोपेगेंडा पीछे बन रहा है, पूरा प्लान बन रहा है नवाज शरीफ को लाने का, नवाज शरीफ से पूछो ना, पहले भी तो डील करके गया था, अब भी ये नवाज शरीफ से पूछना चाहिए पूरी कौम को कि भाई अब कौन सा एनआरओ करके आ रहा है, तो कौन सी डील हो गई है नवाज शरीफ की, क्योंकि ये लोग 8-10 साल बाद आपको पता लगेगा कि ये सब कुछ क्या हुआ था, क्योंकि पहले भी आपको इसी तरह पता लगता है। तो ये आपको अंधेरे में रखते हैं, कोई बात नहीं बताते, बैकग्राउंड में बहुत चीजें चल रही होती हैं, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाते हैं, पाकिस्तानी कौम के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, ये लोग बहुत ही फ्रॉडिया ये लोग हैं, इनसे जान छुड़वाएं जितनी जल्दी हो सके, पाकिस्तानी को इनसे जान छुड़वानी चाहिए। और मैं इमरान खान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इन चोरों डाकुओं के खिलाफ जल्द से जल्द धरने का ऐलान करें और सड़कों पर निकलें, क्योंकि ये कौम अब मजीद इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम लोग बहुत थक गए हैं इन बदमाशों चोरों डाकुओं का सामना करते करते, इनको अब हटाकर कुर्सी से उतार कर इन्हें मुल्क से भगा कर ही पाकिस्तानी कौम दम लेगी। तो इमरान खान साहब वक्त बहुत कम है, पाकिस्तानी कौम बहुत ही इस वक्त मुश्किल में है, तो सारी उम्मीदें इमरान खान से हैं इस वक्त पूरी कौम को, तो इमरान खान को चाहिए कि जल्द से जल्द धरने का ऐलान करें और इस हकूमत को घर चलता करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की तबाही के मजीद दिन ब दिन इजाफा करती जा रही है, मजीद दिन ब दिन पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। वजीर आजम हाउस की ऑडियोज लीक करने वाले 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और अब उनसे तहकीकात की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है, तहकीकात हो जाएंगी, पकड़े भी गए हैं वो, तहकीकात के बाद ये पता चले ना कि किसने ये सारा कुछ हैक किया, किसने ये सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की और किसने ये बगिंग की, किसने वजीर आजम जैसे वजीर आजम जहां रहता है वहां पर अगर ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो और वो लीक हो जाए, ये बहुत बड़ा सवाली निशान है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम पर, सिक्योरिटी ब्रीच है ये पाकिस्तान के लिए। वजीर आजम तो पूरे फॉरन अफेयर्स की बातें कर रहा होता है, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं वजीर आजम से, तो ये कितना अहम डाटा और कितना खतरनाक डाटा है जो लीक हो गया और हमें इस चीज का एहसास भी नहीं है, पाकिस्तानियों हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है हमारे सिस्टम का।
ISI हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सबके ऊपर सवाल ये निशान उठ गया कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि वजीर आजम की पर्सनल कॉल्स लीक हो गई और वो पता नहीं किसके हाथ में है और वो आहिस्ता आहिस्ता कर वो सारी ऑडियो लीक्स जो है ना वो मंजर आम पर आ रही हैं। और एक तरफ ये चोरों डाकुओं ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ, इन्होंने इमरान खान की लीक करनी शुरू कर दी और उसमें कुछ निकल भी नहीं रहा कुछ खास, तो बेचारे बड़े परेशान हैं। लेकिन कितना बेशर्मी का मकाम है, इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी मीडिया को, इस्तीफा इनसे इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। अगर ये कोई और शख्स होता तो इस वक्त वबेला मच होता। अगर सोचें अगर इमरान खान होता तो आपकी मीडिया पर इस वक्त कितना शोर होता कि ऑडियो लीक्स हो गई, वजीर आजम नहल हो गया, इस्तीफा तलब करो वजीर आजम से, ये सारे ड्रामे हो रहे होते। और अब ये चोर जो इनको पैसा खिला रहे हैं वो उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने ये ऑडियो लीक्स किए, उनके होते हुए ये ऑडियो लीक्स हुई है, तो हमारे मीडिया पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने उस बात को इतना वजन ही नहीं डाला उसमें, ये हो रहा है पाकिस्तान में। और मीडिया के साथ भी क्या हो रहा है, मीडिया को बताया जा रहा है ये लफ्ज बोलना है ये लफ्ज नहीं बोलना, सेंसरशिप हो रही है। ऐसी सेंसरशिप तो मुशर्रफ के दौर में नहीं थी, मुशर्रफ भी मुशर्रफ का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या बातें करते थे लोग। यहां तो किसी का नाम ले लो उसके खिलाफ तो ही अदालत हो जाती है, कुछ किसी किसी के बारे में बात कर दो तो ये हुकूमत उसे भी बंद कर देती है। तो यहां तो ये हो रहा है, ये तो बदमाश लोग हैं, माफिया है ये, डिक्टेटरशिप से भी कुछ बड़ा चल रहा है पाकिस्तान में। देखे ना किस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है, कितना जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ। तो ये पाकिस्तानी कौम, ये नौजवान इस पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, आने वाली नस्लों के मुहाफिज हैं, अपने बुजुर्गों के मुहाफिज हैं, सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। तो हम सबको इमरान खान का साथ देना चाहिए और जब भी धरने की कॉल का ऐलान होता है तो हम सब पाकिस्तानियों को इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे ना तो हमारे आने वाली नस्लें ये इस मुसीबत और मुश्किल में पड़ी होंगी, इस जद्दोजहद में लगी होंगी, इस जहाद के लिए कोशिश कर रही होंगी। तो अगर हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा करना है तो हमें इमरान खान का साथ देकर इन चोरों डाकों को भगाना होगा और अपने मुल्क को एक सही सिमत में लेकर जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।